पूर्ण नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, इन तीनों महीनों की समयावधि में आपका कर्म क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहने वाली है, इन सभी पहलुओं के ऊपर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले बात करते हैं तीनों महीनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, तुला राशि शुक्र से प्रभावित वाय तत्वी राशि मानी जाती है, राशि चक्र की सप्तम राशि मानी जाती है। इस राशि के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातक कूटनीतिज्ञ, खुश मिजाज, आकर्षक, सामाजिक रूप से जुड़े हुए जातक होते हैं और अपने जीवन में अपना स्वाभिमान ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तुला राशि वाले जातकों के अंदर व्यक्तित्व में काफी आकर्षण देखने के लिए मिलता है। प्रसन्न चित्त होकर जीवन में कोई भी काम करते हैं और क्रिएटिव होकर भी काम करने के लिए जाने जाते हैं। तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में भावनाओं की कद्र काफी ज्यादा करते हैं, इसलिए तुला राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन में अधिकतर ये काफी ज्यादा संवेदनशील बने रहते हैं। इसकी वजह से कभी कभी इनको समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ये सहयोगी होते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति से समझौता नहीं करते हैं, यानी अगर विपरीत परिस्थितियां इनके जीवन में आ जाए तो डटकर उसका सामना करते हैं और विपरीत परिस्थितियों से आसानी से अपनी सूझबूझ के द्वारा निकलते भी हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व तुला राशि वाले जातकों का होता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। सप्तम भाव पर गुरु की मौजूदगी बनी हुई है, तो यहां पर आपके जीवन में वैवाहिक उतार चढ़ाव मिल रहा है। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में अधिक मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आर्थिक मामलों में चुनौतियां मिल रही है और बहुत सारे तुला राशि वाले जातक वर्तमान में हेल्थ प्रॉब्लम भी महसूस कर रहे हैं। शारीरिक मामलों में व्यर्थ का तनाव महसूस कर रहे हैं और आपको शारीरिक समस्याएं भी बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष उपाय की जानकारी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके लिए शुभता भी रहने वाली है और हम आपको कुछ सलाह की जानकारी भी देने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों, आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की प्रभावी है। तीनों महीनों की समयावधि में अप्रैल के पूरे महीने भर गुरु आपके सप्तम भाव और मेष राशिगत रहेंगे। मई के महीने में और जून के महीने में गुरु वृषभ राशि में रहने वाले हैं। शनिदेव तीनों महीनों में कुंभ राशि में रहेंगे। केतु तीनों महीनों में कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु तीनों महीनों में मीन राशि में प्रभावी रहने वाले हैं। अप्रैल की शुरुआत में सूर्य और शुक्रदेव मीन राशि में प्रभावी रहने वाले हैं। वहीं मंगल की जो अवस्था है वो आपके राशि के कुंभ राशि में प्रभावी रहेगी और पंचम भाव पर रहेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभता मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इन दिनों में की समयावधि में, तीनों महीनों की समयावधि में कर्म भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। वर्तमान में मूल त्रिकोणस्थ होकर शनि पंचम भाव पर विराजित हैं और 6 अप्रैल के पश्चात शनि देव गुरु के नक्षत्रों में जाने वाले हैं। तीनों महीनों की समयावधि में आपकी प्रतिभा और आपकी कार्य क्षमता बढ़ी हुई रहने वाली है। इसकी वजह से तुला राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में अच्छे परिणामों की प्राप्ति
करने वाले हैं। इस समयावधि में आपके जीवन में गुरु का सप्तम भाव पर होना, व्यवसाय का विस्तार और आपके जीवन में नए कारोबार में भी आपको सफलता दिलवा सकता है। तुला राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में वर्तमान में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, अप्रैल में आपके राशि के स्वामी भी उच्चस्थ अवस्था में है और आपके सप्तम भाव पर गुरु की मौजूदगी है, तो आपके जीवन में ये समय नई अपॉर्चुनिटीज को आपको देने वाला है। यदि आप कोई नया काम शुरू करते हैं उसमें आपको सफलता काफी ज्यादा मिल सकती है। तीनों महीनों की समयावधि में उन्नति की राह पर तुला राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र में बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपकी राशि में इस समयावधि में मई और जून के महीने में गुरु आपके अष्टम भाव पर विराजित होंगे। यहां पर गुरु के अष्टम भाव पर जाने से आपके जीवन में मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि आप काम करते हैं, विदेशों से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मंगल आपकी राशि के धन भाव के स्वामी माने जाते हैं और सूर्यदेव आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों की जो अवस्था दिखाई दे रही है वह अप्रैल के महीने में बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रही है। अप्रैल के महीने में सूर्यदेव उच्चस्थ राशि में जाने वाले हैं और मंगलदेव 23 अप्रैल तक त्रिकोण भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। आर्थिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आकस्मिक धन प्रदायक स्थिति अप्रैल और मई के महीने में दिखाई दे रही है। आपके जीवन में अच्छी आमदनी के प्रबल स्रोत इस समयावधि में बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। किसी प्रकार का रुका हुआ या फंसा हुआ धन यदि आपके जीवन में बना हुआ है, उसके प्राप्त होने की प्रबल संभावना भी दिखाई दे रही है। तुला राशि वाले जातकों, देव गुरु आपकी राशि में 30 अप्रैल के पश्चात अष्टम भाव पर चले जाएंगे, तो आपको इस समयावधि में गुरु अष्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे, तो खर्च आपके धार्मिक कामों में बढ़वाने वाले हैं। खर्च की वृद्धि होगी लेकिन आपके जीवन में अच्छे कामों के ऊपर धन का व्यय होने वाला है। साथ में तुला राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों से बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मंगल की अवस्था दर्शकों पूरे अप्रैल के महीने में श्रेष्ठ है, तो अप्रैल का महीना और जून का महीना वैवाहिक जीवन के लिए शानदार दिखाई दे रहा है। मई के महीने में आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ अंगारक योग के प्रभाव में रहेंगे, तो आपको वैवाहिक जीवन में कड़वाहट, रिश्तों में मतभेद इन तीनों महीनों की समयावधि में मई में देखने के लिए मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों आपके राशि के छठवें भाव के स्वामी, रोग भाव के स्वामी गुरु ही माने जाते हैं और गुरु पूरे अप्रैल के महीने में आपके केंद्र में यानी सप्तम भाव पर शुभ अवस्था में रहेंगे, तो पूरा अप्रैल का महीना सेहत के मामले में बेहतर है। अप्रैल के महीने में राशि के स्वामी भी उच्चस्थ अवस्था में विराजित रहेंगे। मई और जून के महीने में गुरु की मौजूदगी आपके अष्टम भाव पर विराजित रहेगी, तो आपको सेहत के मामले में कुछ उतार चढ़ाव और समस्याएं भी मिलने वाली है। पेट में जलन, पेट में एसिडिटी, गैस बनना, अपच होना या तुला राशि वाले जातकों को लीवर में कोई प्रॉब्लम मिल सकती है। तुला राशि वाले जातकों को संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन ही आपको सही प्रभाव सेहत के मामले में दे सकता है। शराब, मांसाहार, धूम्रपान इन सभी चीजों के सेवन से आपको जीवन में बचना होगा। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं जिसको इस समयावधि में आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहले आपको इस समयावधि में अपने जीवन में यदि आप शुभता चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार से ईमानदारी से हटकर काम नहीं करना है और बेकार की बातों में आपको जीवन में इन्वॉल्व नहीं होना है। रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आपके ऊपर हावी करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से आपको जीवन में दूर रहना चाहिए। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों इस समयावधि में जो आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है उसमें आपका आत्मविश्वास का स्तर तो काफी बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन इस समयावधि में आपको जीवन में इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि कई काम एक साथ करने से आप बचें तो स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ बनने वाली है। एक काम में जब आपको सफलता मिल जाए तब आपको दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होना है। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों को व्यर्थ की बातों में अपने समय का दुरुपयोग जीवन में नहीं करना है। देखिए, जीवन में जो समय की घड़ी है वो किसी के लिए इंतजार नहीं कर सकती है,
भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस भी कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने जीवन में जो बातें, जो कार्य, जो वर्तमान जो आपके नियंत्रण में है, उसका तो आप जीवन में भरपूर सदुपयोग करें, अन्यथा समय की बर्बादी भविष्य का पछतावा भी बनती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी गिराती है। अगर आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो आपके जीवन में कुछ ऐसे पल और कुछ ऐसी स्थितियां आ जाएंगी, क्योंकि आप उस समयावधि में अवसरों को खो देंगे तो आपके जीवन में नकारात्मकता और आपको काफी पछतावा भी होगा। तुला राशि वाले जातकों, इस समयावधि में जो आपके ऊपर ग्रही स्थिति है उसमें राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके वाणी भाव पर भी जा रही है। तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में नपे तुले शब्दों का जीवन में ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको यहां पर भी नुकसान मिल सकती है। अब हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो यदि संभव हो सके तो एक उत्तम क्वालिटी का ओपल रत्न आपको धारण करना काफी शुभ रहने वाला है। तर्जनी या नामिका उंगली में आपको पूर्ण रूप में शुक्रवार के दिन अभिमंत्रित करके शुक्र के बीज मंत्रों का जप करके पहनना चाहिए। साथ में तुला राशि वाले जातकों को जीवन में सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को जीवन से समाप्त करने के लिए, आर्थिक संपन्नता बनाए रखने के लिए महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना, शिव जी की उपासना करना शुभ रहने वाला है। किसी भी इष्ट की यदि आप उपासना करते हैं उसमें आपको काफी बेहतर परिणाम मिलेगा। साथ में तुला राशि वाले जातकों, अपने जीवन में यदि आप सफलता चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो माता पिता, गुरुजनों का, घर के बड़े सदस्यों का किसी प्रकार से निरादर करने से बचें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके घर से ही उसका व्यक्तिगत विकास होता है और घरेलू स्थितियां यदि सकारात्मक बनती है, घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलता है तो आपका मनोबल स्तर भी बढ़ता है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम करेंगे तो आप अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।